मॉर्निंग दोस्तों, साथियों, आज स्टार्ट करेंगे हम सेकेंड पार्ट है नेचर ऑफ लाइट जो है। लेकिन थोड़ा सा पहले लेक्चर में जो प्लांक्स की स्पेलिंग थी उसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो उसको इम्प्रूव कर लीजिए, इसके लिए सॉरी। और स्टार्ट करेंगे हम आपका सेकेंड पार्ट। लेकिन सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने के पहले हम जो पिछला हमने पढ़ा है थोड़ा चीज़ों को जोड़ना पड़ेगा। हमने आपसे बताया था कि जो रदरफोर्ड्स मॉडल था उसकी दो ड्रॉबैक थी। पहली ड्रॉबैक क्या थी कि वो एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बता पाए थे, और दूसरा वो बता नहीं पाए थे क्या स्पेक्ट्रम के बारे में। और हमने आपसे कहा था अगर स्पेक्ट्रम के बारे में सही से जानकारी चाहिए अच्छे से, तो उसके लिए लाइट के नेचर को जानना जरूरी है। और लाइट के नेचर को सही से बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ लाइट, टू थ्योरीज हैव बीन गिवन। दो थ्योरीज दी गई। पहली थ्योरीज जो है, पहली थ्योरी कौन सी है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है, जिसको क्लार्क मैक्सवेल ने दिया था। और दूसरी थ्योरी जो है दूसरी थ्योरी थी आपकी प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी थी वो आपके लाइट के वेव नेचर को बताती है, मतलब जो भी आपका लाइट होता है उसका वेव नेचर को बताती है। लेकिन जो आपका प्लांक्स क्वांटम थ्योरी है वो पार्टिकल नेचर को बताती है। और जो आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, उसमें क्या क्या बातें हमने सीखी हैं। हमने बताया एनर्जी इमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स इज इन कॉन्टिन्यूअस वे और इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, एंड द एनर्जी एसोसिएटेड विद इट इज कॉल्ड द रेडिएंट एनर्जी। और दूसरा हमने क्या बताया, ये जो रेडिएशन किसी भी सोर्स से जब निकलेगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि इसके दो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, या दो कंपोनेंट इसमें होते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों एक दूसरे से 90 एंगल पे ऑसिलेट किया करते हैं। इसीलिए ये जो रेडिएशंस होती हैं इन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी कहते हैं। और क्या बताया कि ये जो रेडिएशन होती है इनका वेव नेचर होता है और ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं। और आपको इसके बाद क्या बताया कि इनको चलने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन हुआ क्या कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक्स क्या थे उसके बारे में हम बात करेंगे। पहली चीज़ ये इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। वेव की नेचर होता है, ये वेव का नेचर होता है। लेकिन कुछ फिनोमिनन जैसे कि फिनोमिनन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, और इसमें दो प्रॉपर्टीज जो है आपकी और भी हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पाती हैं। ये आपकी कौन कौन सी है, पहला वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ अ सॉलिड एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, दूसरा द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम विद स्पेशल रेफरेंस टू द हाइड्रोजन, मतलब लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में, और वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ अ सॉलिड एंड अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इस बात को भी ये नहीं बता पाती है। फिर आगे हम लोग बात करेंगे कि ये थ्योरी में जो कमियां थी इसको इम्प्रूव करने के लिए फिर लाई गई प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, जो कि लाइट के पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करती है। तो उसी चीज़ को आज हम एक्सप्लेन करेंगे, उसी चीज़ को स्टडी करेंगे। पहले तो हम लोग पढ़ेंगे ड्रॉबैक, लिमिटेशंस क्या हैं। लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव थ्योरी, पहली चीज वेल एक्सप्लेन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस को जो है ये अच्छे से एक्सप्लेन करता।
बट अनेबल टू एक्सप्लेन, क्या क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाता। पहली चीज, फिनोमिनन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। दूसरा क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तीसरा जो है, वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ अ सॉलिड, वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। और फोर्थ क्या है, द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम। ठीक है, और यहाँ पर लाइन स्पेक्ट्रा मेन बात करेंगे कि इसका रेफरेंस एज हाइड्रोजन। तो ये इसके ड्रॉबैक थे। इन्हीं ड्रॉबैक को दूर करने के लिए फिर जरूरत पड़ी अगली थ्योरी की, दैट इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। वो पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करती है। तो बच्चों आगे हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, वो क्या है आपका प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में अगर हम आपसे बात करें, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ये अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में एक कंप्लीट वीडियो लेक्चर मैं आपको दूंगा। यहाँ पर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में क्या क्या बातें बताई गई थी, इसके बारे में हम लोग समझते हैं, कंपेयर भी करेंगे कि क्या कमियाँ रह गई थी। जो अभी आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में, ये आपके पास क्या है, रेड हॉट आयरन, रेड हॉट आयरन। और ये भी क्या है, रेड हॉट आयरन। यहां पर क्या है, ये जो रेडिएशन है, ये जो निकल रही हैं, ये कॉन्टिन्यूअस वे में निकल रही हैं, तो ये किसकी थ्योरी है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। लेकिन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, एनर्जी इमिटेड फ्रॉम एनी बॉडी इज नॉट इन कॉन्टिन्यूअस वे बट इट इज इन डिसकॉन्टिन्यूअस वे। कॉन्टिन्यूअस एनर्जी नहीं निकलती बल्कि डिसकॉन्टिन्यूअस वे में एनर्जी निकलती है। डिसकॉन्टिन्यूअस में, ऐसे आप समझ सकते हो, ये क्या हो गया, डिसकॉन्टिन्यूअस वे। ये पहला डिफरेंस आप याद रखेंगे। पहली बात क्या बताई, एनर्जी इमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स इज इन डिसकॉन्टिन्यूअस वे, नॉट इन कॉन्टिन्यूअस वे, एंड इन द फॉर्म ऑफ डिफिनेट पैकेट्स आर बंडल, दैट इज नोन एज क्वांटम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटम। और लाइट के केस में इसी को, डिफिनेट पैकेट्स और बंडल को हम लोग फोटॉन्स कहते हैं। और क्या बताया कि ये जो एनर्जी होती है इसकी, जो आपका रेडिएशन है, इसकी जो एनर्जी होती है वो उस लाइट के रेडिएशन के फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और क्या बताया, ये जो आपके फोटॉन्स क्वांटम इमिट होते हैं या एब्जॉर्ब होते हैं वो एज ए होल नंबर में होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि 1.5 होगा, 3.2 होगा, ये तो होगा 10, 20, 50, इस तरह से एनर्जी इमिट होती है। तो इन्हीं बातों को हम लोग समझेंगे। पहली बात हमने क्या बताई कि एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब इज इन डिसकॉन्टिन्यूअस वे बट नॉट इन कॉन्टिन्यूअस वे एंड इन द फॉर्म ऑफ डिफिनिट डिफिनिट पैकेट्स और बंडल, दैट इज कॉल्ड
क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड क्वांटम। बट इन द केस ऑफ लाइट इट इज कॉल्ड फोटॉन्स। फोटॉन लाइट के केस में इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोटॉन्स बोलते हैं। चलिए और क्या बताया, बताया कि एनर्जी ऑफ क्वांटा या क्वांटम और फोटॉन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, और यह हटेगा तो ई इज इक्वल टू होगा एच न्यू। वेयर जहां पर एच इज इक्वल टू क्या है आपका, प्लांक्स कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू होती है 6.26 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड। और क्या बात बताई है, थर्ड पॉइंट, एनर्जी, और क्या बताया कि जो एनर्जी होती है किसी भी सोर्स से वो होल नंबर में होती है। एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब इज इन होल नंबर, क्या होगा, ई इज इक्वल टू एन एच न्यू, जहां पर वेयर एन इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा, बट नॉट फ्रैक्शनल वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होती। तो हमने क्या देखा कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में, एनर्जी इमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स ये बताया, एनर्जी इमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स ये आपका प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो एनर्जी इमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स इज इन डिसकॉन्टिन्यूअस वे एंड इन द फॉर्म ऑफ डिफिनेट पैकेट्स और बंडल दैट इज नोन एज क्वांटम। और लाइट के केस में इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोटॉन्स बोलते हैं। और एनर्जी ऑफ क्वांटम और फोटॉन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट, ये लाइट की फ्रिक्वेंसी है, और फिर ये प्रोपोर्शनल टू साइन हटेगा एच मिलेगा, और ये जो एच है आपका दैट इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.626 × 10⁻³ जूल सेकेंड। एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब इज इन होल नंबर, जो भी एनर्जी इमिटेड या एब्जॉर्ब होती है होल नंबर के फॉर्म में होती है, तो दैट इज ऑल अबाउट किसके बारे में, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब एक इम्पॉर्टेंट बात और समझिए, एक मोल फोटोन के द्वारा जो एनर्जी, एक मोल फोटोन के द्वारा जो एनर्जी रखी जाती है, जो एनर्जी अकुपाई की जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज 1 आइंस्टीन ऑफ एनर्जी। एनर्जी पजेस्ड बाई 1 मोल ऑफ फोटोन इज कॉल्ड 1 आइंस्टीन ऑफ एनर्जी। तो क्या बताएंगे, एनर्जी पजेस्ड बाई 1 मोल फोटोन इज कॉल्ड क्या, 1 आइंस्टीन ऑफ एनर्जी, 1 आइंस्टीन ऑफ क्या बोलते हैं, एनर्जी। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो चीजें और आसान बनेंगी आपके लिए। क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम। तो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ऑफ
रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम। ये क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर आपको क्या फाइंड आउट करना है, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी। तो पहले तो आपको फार्मूला हमने बताया था कि एज वी नो दैट न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। ये फार्मूला आपको इसके पहले हमने बताया था। जहां पर न्यू क्या है, ये क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी है, और ये क्या है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट है, और ये क्या है, दैट इज वेवलेंथ है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे सी बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लेमडा जो दिया गया है कितना, 6000 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻¹ मीटर, तो होगा 6000 × 10⁻¹ मीटर। आप 3 जीरो को लिख सकते हैं, 6 × 10�³ कितना हो जाएगा, -10। ओवरऑल हो जाएगा 6 × 10⁻¹। इसको माइनस में है, ये प्लस में घट जाती है पावर जब आपका सेम बेस होता है, तो कितना हो जाएगा, -7, ये हो जाएगा मीटर में। चलिए वैल्यू रख के देखते हैं क्या होता है बेटा। ये न्यू इक्वल टू सी की वैल्यू कितना, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 6 × 10⁻¹। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा 1/2, और ये माइनस में ऊपर जाएगा तो पावर प्लस हो जाता है, ठीक है। न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में होता तो साइन बदल जाता, तो माइनस ही क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15। और इसको लिखेंगे कितना हो जाएगा, लिख सकते हैं 0.5 × 10⁵ -15, लेकिन 1 डिजिट के बाद लगाते हैं तो 5 × 10⁴। ये आपका क्या हो जाएगा, दैट विल बी जो हर्ट्स हो जाएगा, या सेकेंड इनवर्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सेकेंड इनवर्स। आगे हमको क्या निकालना है, एनर्जी। एनर्जी बराबर क्या होता है बेटा, ई बराबर अभी आपको सिखा है एच न्यू के, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, एच की वैल्यू 6.6 × 10⁴ कितना है, -34, और इधर हो जाएगा कितना, 5 × 10⁴ 14। इसको आप लिखेंगे तो हो जाएगा 5 × 6 = 30, 5 × 2 = 10, 3 × 13 = 13, 5 × 6 = 30, 31, 5 × 6 = 30, 30 × 3 = 33। और फिर इसके बाद कितने डिजिट, 1 2 3, 1 2 3, ये कर दिया। अब देखिए यहाँ पावर्स कितनी है बताइए, 14 है, यहाँ 34 है, तो जब माइनस करेंगे तो आएगा -20। ये आ गया काहे में, जूल में आ गया। अब ये इसको क्या करते हैं, 1 डिजिट के बाद हम लोग जनरली लगाते हैं, तो हो जाएगा 3.3, और 1 × 10⁴ कितना हो जाएगा, -19। और क्या लिख दिया हमने, जूल। ये आपकी हो गई एनर्जी। यहाँ पर बेटा आपको एक कॉन्सेप्ट और हम सिखाएंगे कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कैसे जुड़ा होता है। होता है क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल के होता है, ठीक है। ये जो आपकी एनर्जी दिया है काहे में, ये जो जूल में दिया है, इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, वी कन्वर्ट इट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू इतना दिया है, तो लिखेंगे 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 जूल बराबर 1/ कितना होगा, 1.6 × 10⁻¹⁹। आपको आपके पास है कितना वैल्यू, ये वैल्यू है 3.31। कितना दिया बेटा, 3.31 × 10⁻¹⁹ में अगर आप बात करेंगे तो हो जाएगा 3.31 × -19, और हो जाएगा 1.6 × 10⁻¹⁹। और फिर इसके बाद क्या होगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 3.31 और डिवाइडेड बाय 1.6, ठीक है। तो हो जाएगा कितना, ये इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर लें, ठीक है, ये 3.31 कितना हो जाएगा, 1.6। ऊपर से अगर इसको पूरा पूरा लिख दें, 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें अगर आप,
तो हो जाएगा 331 डिवाइडेड बाय 160। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, 331 160, ये हो जाएगा 16 दूनी 32, कितना आ गया 1, इधर कितना हो गया 1, है ना, और ये आपका आ गया पॉइंट लगाया, ये हो जाएगा, अभी 0 भी लेगा ये, और ये हो जाएगा, ठीक है। तो इधर हो जाएगा आपका, ये जाएगा आई थिंक 7 टाइम्स जाएगा, देख लेते हैं 16 इंटू कितना हो जाएगा, 7 42 7 4 11, हाँ ये जाएगा बेटा आपका 6 टाइम जाएगा, तो 2.6 आपका आ गया। तो ये जो एनर्जी आपको मिली है ये करेंगे तो 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कई बार इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये मैं बार बार आपसे प्रैक्टिस कराता रहूंगा ताकि चीजें आपके लिए आसान बने। तो ये हमको कितना मिल गया, 2.06, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया आई होप। हमने ये क्या है, कैलकुलेट फ्रिक्वेंसी ऑफ एनर्जी ऑफ रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ दिया है, ये आपको बताना था। आपको फार्मूला पता, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, सी क्या स्पीड ऑफ लाइट हो गया, और लेमडा क्या वेवलेंथ, ये क्या है फ्रिक्वेंसी, और सी इज इक्वल टू 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट होती है। लेमडा की वैल्यू दिया है आपने, वैल्यू रखी, वैल्यू रखने के बाद ये आपका आ जाएगा। और फिर यहाँ से, और यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको सिखाना चाहते थे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो होता है क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल। तो 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल बराबर कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 जूल बराबर आप डिवाइड कर देंगे, जो आपको जूल में वैल्यू दी है उसको कर देंगे, तो 2.06 आ जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू।